नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय चित्रकूट धाम मंडल बांदा के तत्वाधान में बृहद रोजगार मेला का किया गया आयोजन। बांदा जनपद के बबूरी कस्बे पर क्षेत्रीय सेवा योजन चित्रकूट धाम मंडल बांदा के तत्वाधान में भाजपा के पदाधिकारियों की मौजूदगी में बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। पूरा मामला जेपी शर्मा इंटर कॉलेज बबेरू का है, जिसमें क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय चित्रकूट धाम मंडल के तत्वाधान में मंगलवार को बृहद मेले का आयोजन कस्बे के जेपी शर्मा इंटर कॉलेज में किया गया। इसमें 9 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के आए हुए अधिकारियों द्वारा अपनी अपनी कंपनी के बारे में बेरोजगार नवयुवकों को जानकारी दी गई। 18 से 40 वर्ष की आयु के लोगों को आवेदन कराया। जिला सेवा अधिकारी ओपी पांडे के द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं के अंतर्गत प्राइवेट कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार लेकर आई है। उसी को लेकर सभी ब्लॉक क्षेत्रों में लोगों को जागरूक कर अनुसार आवेदन कराया जा रहा है, ताकि बेरोजगार युवकों को रोजगार मिले। 10 से 15 हजार प्रतिमाह बेरोजगार लोग कमा सकते हैं। बेबूर नगर पंचायत अध्यक्ष विजय पाल सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय सिंह पटेल, जिला मंत्री विवेकानंद गुप्ता सहित विद्यालय के प्रधानाचार्य श्याम मनोहर राव, अध्यापकों सहित सभी कंपनियों के अधिकारियों क्षेत्र से आए हुए बेरोजगार युवक युवतियाँ मेले पर मौजूद रहे। रामू तिवारी, बांदा की खास। विभाग द्वारा आयोजित बृहद रोजगार मेला में आज विभिन्न कंपनियों के लगभग 10 कंपनियों के अधिकारीगण इस मेले पर उपस्थित रहे और इस क्षेत्र के जो अपने बेरोजगार छात्र भाई बहन लगभग 300 की संख्या में यहां आज बच्चे प्रतिभाग किए। और इस कार्यक्रम में हम सबके मध्य बबेरू नगर पंचायत के डिप्टी चेयरमैन श्रीमान विजयपाल सिंह जी और अपने बड़े भाई श्रीमान अजय सिंह पटेल जी, अपने जिला संयोजन के अधिकारी जिला के ओपी पांडे जी और अपने इस परिसर और अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान श्याम मनोहर राव जी आज बृहद रूप से इस मेले के आयोजन में सभी कंपनियों के अधिकारीगण अपना अपना वृत्त दिया और कंपनी में रोजगार के बारे में लोगों को बताया और सरकार की चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से, विभाग के माध्यम से बेरोजगार छात्रों का आपस में टाइप उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है। निश्चित ही प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, परिकल्पना है, उसी के परिप्रेक्ष्य आज इस बृहद रोजगार मेले में सभी लोगों ने प्रतिभाग किया और बढ़ चढ़ कर सभी छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन कराया और आगे का अपना छात्र और अधिकारीगण आपस में डिस्कशन करते हुए रोजगार को प्राप्त करेंगे। इसी भावनाओं के साथ मैं सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देता हूँ। रोजगार मेला सरकार की प्राथमिकता के आधार पर जो आकांक्षात्मक ब्लॉक हैं उसमें लगाने का आदेश हुआ था। मेले में नदी में ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें हमारे हमको 3 ब्लॉक मिले थे, जनपद में बबेरू, बिसंगा और तमाशी। जो पहला हम मेला बबेरू में लगा रहे हैं, इसमें 9 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। कंपनियों के अलग अलग मापदंड हैं। अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो 18 से 40 साल के बच्चों के लिए सभी कंपनियों ने आवेदन माना था। उनकी रिक्वायरमेंट 18 से 40 के बीच में रिक्वायरमेंट था। अलग अलग हर कंपनियों के अलग अलग वेतन मान हैं, लेकिन वो 8,000 से लेकर 15,000 के बीच में है। ठीक है, और योग्यता इनकी हाई स्कूल से लेकर के प्राथमिकता तक, एम आई तक, हाई स्कूल के बच्चे से लेकर के एम आई तक के बच्चों का इनको चयन करना है। और करीब करीब लगभग 1,000 विभिन्न कंपनियों द्वारा डाली गई हैं और बच्चे भी काफ़ी उपस्थित हुए। इसके बाद नियुक्तियाँ शुरू हो गई है, चयन प्रक्रिया चालू है। तो चयन प्रक्रिया जब हो जाएगी तो उसका प्राप्त हो जाएगी।